पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। यूजर्स ये वीडियो शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि सिद्धरमैया अगले जन्म में मुस्लिम के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी शेयर करते हुए पाए गए राइट विंग इन्फ्लुएंसर ऋषि बागरी ने ये वीडियो ऐसे ही क्लेम के साथ ट्वीट किया। ऑल्ट न्यूज ने इस वायरल वीडियो के बारे में संज्ञान लेते हुए तफ्तीश शुरू की। हमें कन्नड़ मीडिया आउटलेट योयो टीवी कन्नड़ के इस वीडियो में वायरल वीडियो वाला हिस्सा मिला। कन्नड़ा में भाषण देते हुए सिद्धरमैया पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर नेता देवगौड़ा का नाम लेते हैं और आगे ये कहते हैं, शासक ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನ ತಗದಾಕಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಈಗ ಅವರೇ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ. ಯಾರು ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕುಮಾರ್ ದೇವೇಗೌಡರು, ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷ. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿಲ್ಲ. ಸುಮಲತನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದವರಲ್ಲ ಅವರು. सिद्धरमैया की इस कथित स्पीच के बारे में सर्च करते हुए हमें ये रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने देवगौड़ा और उनके भाजपा के साथ के गठबंधन के बारे में बात की थी। सिद्धरमैया के हवाले से आर्टिकल में बताया गया है कि कांगेरी में भाषण देते हुए भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की आलोचना की थी। रिपोर्ट में सिद्धरमैया की स्पीच का हवाला देते हुए लिखा है कि देवगौड़ा ने एक बार बताया था कि वो अगले जन्म में मुस्लिम के रूप में जन्म लेना चाहते हैं और हमेशा बीजेपी के खिलाफ थे। 11 मार्च को कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ट्वीट थ्रेड करते हुए आखिरी ट्वीट में यही बात दोहराई है कि ये बात उनसे देवगौड़ा ने कही थी। हालांकि एचडी देवगौड़ा के अगले जन्म में मुस्लिम के रूप में जन्म लेने वाले बयान के बारे में छानबीन करने पर हमें ऐसा कोई बयान का डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला, इसलिए ऑल्ट न्यूज स्वतंत्र रूप से ये कंफर्म नहीं कर सकता कि देवगौड़ा ने वाकई में ये बयान दिया था या नहीं। लेकिन इतना तो साफ है कि सिद्धरमैया के बयान का वीडियो अधूरे संदर्भ के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।